हाय फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। टिपिकली ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी बात चलिए क्लियर ले लेते हैं। जहाँ मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है सपोज अभी स्पीयर है और इसका मास एम है, रेडियस आर है, इसमें से ग्रीन स्पीयर मूव कर दिया गया, डायमीटर आर है, ये रिमूव पोर्शन इसका रेडियस आर था, बड़े वाले का रेडियस आर था। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस आर था और छोटे वाले स्फीयर का डायमीटर आर है। बड़े वाले का सेंटर पूरा कंप्लीट जब था, जो कंप्लीट था जिसमें से कुछ नहीं रिमूव किया गया था, उसमें सेंटर आर है, वो पे था ज्योमेट्रिकल सेंटर। और ये जो रिमूव पोर्शन है इसका सेंटर ओ है, और हम ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है ये वाला, इसका फॉर्म वो डबल डेट पे जो आएगा, तो डेट ये एक्स निकालना चाहिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट स्फीयर है, जब कुछ रिमूव नहीं किया गया है तो परफेक्ट सिमेट्री है और सेंटर ओ पे है, तो इसमें से एक छोटा स्फीयर रिमूव स्कूप आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है, उसका डायमीटर आर है, उसका रेडियस आर बाय टू है। हमको ये फॉर्मूला पता है मास ऑफ रिमेनिंग इनटू एक्स, ये तो मास ऑफ रिमूव हम इसको अपना स्टैंडर्ड बना के याद भी कर सकते हैं बकायदा, कि ऐसा करेंगे फाइनली हम ये करेंगे, ध्यान से रिमूव का मास निकालेंगे, फिर रिमेनिंग का मास निकालेंगे और इनको पॉइंट मासेस की तरह यहाँ केंद्रित माना जाए। यहाँ हम एम रिमूव रखते हैं और यहाँ एम माइनस एम रिमूव लिखते हैं, जब वो है, जब वो डैश है, अभी वो डबल डैश है। पूरी बॉडीज तो हम इस चैप्टर में देखते ही नहीं है, केवल पॉइंट मासेस देखते हैं। टोटल मास ऑफ दिस बॉडी मानते हैं इसके फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेटेड, और इसका जो मास है, जो भी इसका मास है रिमेनिंग पोर्शन का, उसका मास उसके फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेटेड। और जब ये सब है, दोनों ही है, कंप्लीट स्फीयर है, तो उसका मास फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेटेड। अब एम रिमूव की जगह आप चाहें तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप स्मॉल आर क्यूब ले लीजिए, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब ले लीजिए और ये डिस्टेंस ध्यान से निकाल लीजिए, जो भी है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ओडेश का आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और आपको एक्चुअली ये चाहिए सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब कितना शिफ्ट हो गया, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब इनटू द डिस्टेंस जो हमें निकालना है डेल्टा एक्स सी एम, सी एम कितना शिफ्ट हो गया, इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है फिलहाल ये आर बाय टू है, आर बाय टू इंटू आर क्यू। ऐसा इतना करने के बाद डेटा पुट करिए, ये थोड़ा सा टफ लगता है, लेंदी लगता है, परंतु सीखना ही है, यू डोंट हैव अ चॉइस, क्योंकि ये फाइनली पेपर में अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी तो लेंदी नहीं लगेगा। हाँ बोलिए। पर ये मान लो खत्म हो गया था,
ये वाला पोर्शन समझ लीजिए, ये ए स्क्वायर या इस टाइप का दूसरा सवाल फिर से लेंगे, उसको तो आप डिस्कस नहीं करेंगे, आप इस पे फोकस करिए। ओ डैश पे आप रखिए रिमूव मास, ओ डबल डैश पे आप रखिए रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास है ओरिजिनल मास माइनस रिमूव मास। ये डिस्टेंस, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये ध्यान से देखना पड़ता है, ये आर बाय टू है क्योंकि ये स्फीयर है, इसके एम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, क्योंकि ये स्फीयर है इसके एम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। यहाँ बाय चांस स्मॉल आर है वो आर बाय टू है, तो कर देता हूँ मैं इसको, ये आर क्यूब हो गया माइनस आर बाय टू का क्यूब हो गया, तो डेल्टा एक्स सी एन आर बाय टू, आर बाय टू का क्यूब ऐसा हो जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाय एट इनटू डेल्टा एक्स सी एन आर बाय टू आर क्यूब बाय एट। अब एटलीस्ट आर क्यूब हम न्यूमरेटर में से सारे कैंसिल कैंसिल कर सकते हैं, बचे का वन माइनस वन बाई एट इन सेवन बाई एट डेल्टा एक्स सी एन, तो आर मैंने कैंसिल किया है, आर क्यू भी कैंसिल किया है, पूरा आर क्यू कैंसिल किया है, तो ये आर बाय 16 बच जाए, तो डेल्टा एक्स सी एन आ जाएगा आर बाय 14। हाँ ये एट भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एक्स सी एम आ जाएगा आर का। दिखने में कठिन है और इस पे कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा, बट डोंट वरी। पूरा एफर्ट एकदम से ना डालें, ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको विश्वास होगा कि हाँ अभी आपसे बनता है। अगर ये स्फीयर है तो आप मासेस की जगह आर क्यूब रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग आर क्यूब लिख सकते हैं, अगर ये डिस्क होता तो आप मासेस की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बस इतना सही सीख लीजिए, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर ये डिस्क है तो आप रिस्पेक्टिव आर लिख लेना आर का स्क्वायर, और अगर ये स्फीयर है तो रिस्पेक्टिव आर का क्यूब लिख लें। और ध्यान से ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थे पूरे स्फीयर का और रिमोट वाले ओ ओ डैश ओ ओ डैश। और इनको रिजल्ट्स को अगर याद ना करें तो अच्छा है, क्योंकि फिर कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि यही मुझे आता है और बस यही कर देता हूँ, बाकी तो होगा नहीं, टेंडेंसी रहेगी। क्वेश्चन अगला ये है फिर से, जैसे कि ये डिस्क और इसका बड़े वाले का रेडियस आर है, छोटी वाली का रेडियस डी है, इसको मैं ए ले लेता हूँ, ये ए है ये बी है इसका, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सी है, ये डिस्क है आपकी बात, ये वो है ये वो डैश है डबल डैश है, इक्विवेलेंट टू पार्टिकल सिस्टम बन रहा है, पॉइंट वहां से जम ले रहे हैं, इक्विवेलेंट टू पार्टिकल सिस्टम तो बन रहा है, क्योंकि ये डिस्क है यहां से रिकॉर्ड क्या काय का स्क्वायर आई प्रैक्टिकल प्लीज ये डिस्टेंस होगा
सेंटर ऑफ मास टू सबका यहाँ था, जब ये रिमूव कर दिया तो ये उधर सरक गया हरी की तरफ, रिमूव्ड मास सॉरी रिमेनिंग मास इनटू दिस डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर इनटू बी स्क्वायर। शायद थोड़ी स्पीड बढ़ी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये था ना कुछ आपका डाउट? इसके बाद मैंने इसको टच करा दिया था, अभी और वो डिस्टेंस दे दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो ओडेज ध्यान से दे, जिसको टच कर रहा है या उसको टच कर रहा है या किसी को नहीं कर रहा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल इस बात पे फोकस करिए कि आप वो ओडेज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे। अगर डिस्क है तो आर स्क्वायर लिख दीजिए, और अगर स्फीयर है तो आर क्यूब लिख दीजिए। पूरे का मास पाई आर स्क्वायर है, पूरे का एरिया, इसका जो एरिया है उसमें से माइनस कर दो, मास ऑफ टोटल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम थिकनेस, और मास ऑफ रिमूव डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया है पाई बी स्क्वायर थिकनेस, वेरिएबल तो रेडियस ही है बस। हमने आप देखो मनी मन ये स्टेप्स बस फोकस पे कर लिए, कितना जल्दी पहुंच गए हम यहाँ पर, इसको रटा है हमने। कोई कुछ पूछ रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है? इसको फिर हमने स्टेप्स इसके रट लिए हैं दिमाग में, कि यहां पर आएगा रिमूव्ड वाले के रेडियस का स्क्वायर, ना पूरे का स्क्वायर माइनस रिमूव्ड ये वाले टर्म का स्क्वायर, यहाँ है ये डिस्टेंस भी सवाल से ही कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा, और सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट हुआ है वो हम यहाँ से निकालेंगे। हमारा बॉस फॉर्मूला गॉड फॉर्मूला हमने यूज किया है, एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एच टू, अगर एक्स वन एक्स टू सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंसेज हैं तो एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एच टू, इसका m1 into इसका x1 is equal to m2 into x2। अब हमने सीधे एक ही स्टेप में फाइनल तक पहुंच गए ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इसके स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत शानदार हो, अदरवाइज ये बहुत लेंदी सवाल है, if you are not comfortable, don't try, won't push, इसकी जरूरत नहीं। PYQ इस बात के गवाह है कि ये पेपर में कभी आया है कि नहीं आया है, तो कितना, उस हिसाब से ही आपको केवल अपनी तैयारी डायरेक्टेड रखनी, कंफर्टेबल है तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए भी कुछ चीजें ऐसी जरूरी होती हैं, पीवाईक्यू के अलावा भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ कुछ जरूरी होता है अपने कॉन्फिडेंस, जो अपने से बांधने लगे उसको एंजॉय करें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, पहले कॉन्फिडेंस का बढ़ना जरूरी है फिर आपका और पढ़ने का मन करे। हम रिलेट करते हैं कॉन्फिडेंस को मार्क्स से, हमको रिलेट करना चाहिए कि सवाल बन रहा है कि नहीं, और सवाल बनता है तो हर सवाल को सेलिब्रेट करें। ना बने तो ना बने, चंद्रयान तो है ही, जो ना बने उसकी परवाह नहीं है, जो बने उसकी खुशी मना। एक टाइप की वैरायटी थी स्फीयर और डिस्क में आर स्क्वायर लेते हैं, स्फीयर में आर क्यूब लेते हैं, ऐसे कोई यूनिफॉर्म प्लेट वगैरह भी ले सकता हूं मैं। चलिए ये क्वेश्चन है, एक टी सेक्शन है, थिन रॉड्स है, ये भी एक थिन रॉड है, ये भी एक थिन रॉड है, और इसकी लेंथ 12 है और इसका मास 2 है, और इसकी लेंथ L है और इसका मास N, डायमेंशंस कुछ नहीं दिए, और सपोज ये पॉइंट P
रॉड रॉड की लेंथ एल यहाँ खत्म हो गई। एक रॉड है टू एल की, तो मुझे अगर मैं आइडेंटिकल रॉड्स बोल देता तो मुझे फिर इसका मास देने की जरूरत भी नहीं थी। जिसकी लेंथ डबल है उसका मास डबल हो गई हो, अगर दोनों रॉड्स का लैम्बडा सेम है ना, मास पर यूनिट सेम है, तो जिसकी लेंथ डबल उसका मास डबल ऑटोमेटिकली हो गई हो। एनीवे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है पी से, पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पी। अब इन्होंने इसको टी सेक्शन बोल दिया और पहले ही आप घबराओगे, यानी टी सेक्शन तो हमारे मास्टर ने पढ़ा ही नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। आप डायग्राम को देखिए, रिप्रेजेंट ईच बॉडी एज अ पॉइंट मास एट इट्स सेंटर, दिस इज द की, दिस इज द की, रिप्रेजेंट ईच बॉडी, जो भी बॉडी है चाहे उसका शेप जो भी है, ईच बॉडी एज अ पॉइंट मास एट इट्स सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन। We will now have two particle system में फॉर्म का लगाना है, आता है यहाँ पे इसके सेंटर पे, यहाँ 2m रखा हुआ मास मान लो, यहाँ पर इसके सेंटर पे यानी यहाँ से l by 2 के डिस्टेंस पे, यहाँ से एल बाय टू के डिस्टेंस पे इसका ये मान, इसके सेंटर पे इसको रखा हुआ मान लो, इसके सेंटर पे इसको रखा हुआ मान, और ये टू पार्टिकल सिस्टम है, और अब शायद ये मेरा ओरिजिन, तो क्वेश्चन का पी से सेंटर ऑफ मास की दूरी निकाल, जहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी है वो अलग पॉइंट है, इसके थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ मैं आंसर देता हूँ। पहली बात तो ये, इसको इसके फॉर्म पे इसका पूरा मास रख दो, इसके फॉर्म पे इसका पूरा मास रख दो। नाउ यू हैव अ टू पार्टिकल सिस्टम, हमने ज्यादातर तो फॉर्मूला तब पढ़ा है जब हमें किसी एक मास से फॉर्म की दूरी निकालनी पड़ती है, और आज मेरा ओरिजिन ये है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लूं, जो वाई सीएम है वो है m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2, तो इसका जो मास है वो m है, और इसका यहां से जो डिस्टेंस है वो l by 2 ही है, और दूसरे पार्टिकल का मास यहां से 2m है, और इसका यहां से बाय जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, अच्छा l है, l upon summation of m is 3l, बस इससे आंसर। फॉर्म के ऐसे कुछ सवाल अच्छे करने चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये एकदम से बहुत ज्यादा आसान बन जाते हैं। 5 l/6 से फाइंड करने तो पी को ओरिजिन लेते हैं, तो मैंने पी को ओरिजिन लिया है और लेंथ से डिस्टेंस ही लिया है, ये डिस्टेंस l by 2 है और ये डिस्टेंस पूरा l है। सर वो पहले क्वेश्चन जो हुए थे उसमें जैसे y1 था फिर उसको 0 लिए थे, तो मैं ये कहता था कि यहां से डिस्टेंस निकाल, इसको ओरिजिन बोलते हैं,
अगर ये ओरिजिन है बाकी तुम पिछले किसी से कोई रिलेट मत करो, अब तुमने यहाँ से इसका डिस्टेंस देखना और यहाँ से इसका डिस्टेंस देखना। अगर मैं ये बोलता था ये m1 है और ये m2 है और ये फॉर्म है और यहाँ से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, तो मैं बोलता था m1 x1 इसका 0 है प्लस m2 और इसका जो भी x है, m2 की यहाँ से जो दूरी जिस पॉइंट से दूरी निकालनी बस उसी को ओरिजिन मानना है, मास हो या ना हो। इस टाइप के सवाल होते हैं और ये शुरू में अच्छे नहीं लगते पर जब बनते हैं तो बहुत जल्दी से बनने लगते हैं। एक बार इनमें कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप इन्हें कभी भूलते भी नहीं, कभी नहीं भूलते। आप दो का पहाड़ा भूल जाए, दो दुनी पता नहीं 13 बोलेंगे हम कभी कभी, 2 2 13 पता नहीं शायद गलती हो सकती है, परंतु एक बार ये सवाल बनने लगे ना आप ही नहीं भूलते। मतलब इस टाइप का सवाल आपको 7 8 10 12 बार करना पड़ेगा बस, वो भी अलग अलग मौकों पे, ये आप कभी नहीं भूल सकते। एग्जाम के पहले अगर 2 महीने पहले से आप इसे रिवाइज ना भी करोगे तो एग्जाम में बनेगा, बस पहले साल भर में आपके पास तो 10 12 बार ये सामने आ जाना चाहिए, कहीं टेस्ट में या कहीं भी टोटल 12 बार आपके सामने आ जाए। उसके बाद अगर आप एग्जाम के 2 महीने विदिन 2 मंथ इसे रिवाइज नहीं करेंगे, फिजिक्स के 30-40% मेडिकल ऐसे होते हैं जिनको बाद में रिविजन नहीं चाहिए, फिजिक्स की यही खासियत है। तो पहले फिजिक्स को पढ़ लो टाइम और बाद में एग्जाम के करीब तुम बायोलॉजी केमिस्ट्री को जरूर रखने वाले सब्जेक्ट है वो जो मेमरी जो है इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। m1 y1 plus m2 y2 पहले मास का ओरिजिन से y कितना है, दूसरे मास का ओरिजिन से y कितना है, फॉर्मूला का सही याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके बाद मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये एल शेप बॉडी है, एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है, एल शेप बॉडी है, पूरे का मास जैसे कि एन है, पूरे का मास एन है, मेरी ये ओरिजिन है, चलो ये डिस्टेंस मैं ए मान लेता हूं, ये भी ए ही है, बस इसका ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा। इसको और डराने के लिए बोल देगा एल शेप लेमिना, LAMINA लेमिना। लेमिना तो हम लोग को कुछ पढ़ना ही नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है यू मान। हाँ वो अगर मैंने नहीं बोला लिख के बोला है तो आपको झक मार के वो इक्वली मानना पड़ेगा कि ये साइड और ये साइड भले ही मेरे डायग्राम में ना दिख रहा हो पर जब तक मैं मैथमेटिकली नहीं कहूँ तो आप मान नहीं पाएंगे कि ये 1 पॉइंट इसकी वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू 8 है कि 7 है कि 6 है, आप मान नहीं पाएंगे अगर डेटा ना दिया हो। और आपको या तो सवाल आप छोड़ दीजिए या अज्यूम करिए कि जो नहीं दिया है वो जरूर सेम ही होगा, ये क्वेश्चन आगे से आपके मन में ना आए कि ये सेम है या नहीं। वो सब कुछ नहीं बताएंगे, वो आपको केवल चिढ़ाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चनों से। ये क्वेश्चन दोबारा आप मुझसे मत पूछिएगा कि ये सेम है कि नहीं, अज्यूम खुद ही करिएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, वरना अब काफी टाइम हो गया इसे मुझे समझाते हुए, अब इसे यूज करना, अब इसमें शक करना बंद कर दीजिए, डाउट करना बंद कर दीजिए। जो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है उसका जो आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं वो लीजिए, जो चीज मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है उसका डिसीजन आपको लेना। इसका ऐसा कर सकता हूं मैं कि इसे मैं ऐसे 3 स्क्वेयरों में बांट दूं, आइडेंटिकल टाइप के होने चाहिए, तो मोस्ट 4 पार्टिकल सिस्टम
तो मैं खैर इसका प्रेफर कर रहा हूँ कि नहीं मैं इसको टू पार्टिकल सिस्टम में रिड्यूस करूँ, क्योंकि थ्री पार्टिकल में फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो यही करता हूँ टू पार्टिकल सिस्टम. अब जो भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस, जो भी जानकारी सवाल में नहीं दी गई है उसमें ऑलवेज मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशन, जिनसे सवाल सिंपल हो रहा मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशन. खैर मैं ये एक बॉडी मान रहा हूँ और ये एक बॉडी मान रहा हूँ, पूरे का मास अगर एम था तो इस वाले पोर्शन का मास एम बाय थ्री है, ये वाला भी एम बाय थ्री था और ये वाला भी एम बाय थ्री, तो ये वाला हो गया टू एम बाय थ्री. तीन पार्ट्स में डिवाइड किया होता ना, तो अब मैं इससे ये पूरा बना ही लेता हूँ, एक ये बना लेता हूँ और एक ये बना लेता हूँ, इसका मास एम बाय थ्री है और इसका मास टू एम बाय, और ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस ए है, इसका सेंटर तो यहाँ पे आएगा, टू एम बाय थ्री का सेंटर यहाँ आएगा और m by 3 का सेंटर कहीं यहाँ आएगा. बस इनके कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से निकाल लें, ये जो पहला मास है 2 m by 3 इसका शायद x आएगा a by 2, इसका x आएगा a by 2 और इसका y आएगा ये, ये पूरा a है ना, ये पूरा भी a है, ये a by 2 है, ए बाई फोर है, आएगा ए बाई फोर, और जो दूसरा मास है एम बाई थ्री वाला जो मास है, एम बाई थ्री वाला जो मास है इसका एक्स तो यहाँ ए बाई टू पे ही आ रहा है, इसका एक्स ए बाई टू पे आ रहा है और इसका वाई आ रहा है ए, और यहाँ से ए बाई फोर, ए बाई टू ए बाई फोर, ए बाई टू यहाँ है, ए बाई फोर यहाँ है, ये वाई है परंतु यहाँ बहुत सारे, चूंकि आपको नए डिसीजन लेने पड़ रहे हैं इसलिए शायद एग्जाम में ना आए और आज तक फिर आया भी नहीं, ये पूरा ए है इसका सेंटर, इसका एक्स तो ए बाई टू पे आ जाएगा और ये ए बाई टू है क्योंकि ये पूरा ए है, ये ए बाई टू है, ये ए बाई फोर है, ये सब यहाँ लिख ही लेना चाहिए, ये सब ये सारे पॉइंट अगर यहाँ जो आएंगे ना ये सब ए बाई टू की लाइन पे आएंगे, ये सब ए बाई ये पूरी लाइन ए बाई टू की है, ये पूरी लाइन ए बाई टू की है, ये पूरी लाइन ए बाई फोर की है, ये पूरी लाइन ए बाई फोर की है, ऐसी खूब सारी ग्रिड बना लेनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, इसमें काफी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, माय ओपिनियन इम्पोर्टेंट नहीं है. जी सर, एक स्क्वायर का आपने कहा था थिकनेस अगर दिया नहीं है तो अज्यूम करना है कि वो ए है, बट यहाँ पे जो ऊपर मतलब अपन ने तीन स्क्वायर्स, थिकनेस की बात ही नहीं कर रहा मैं, थिकनेस तो मैंने सेम ही ली है, ये स्क्वायर लेमिना तो नहीं है, एल शेप लेमिना है, हाँ उसको मैंने स्क्वायर लेमिना में बांट दिया है. सर तो a by 2 आपने कैसे मतलब वो निकाला कि डिस्टेंस, थिकनेस मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे ऑलरेडी ना मासेस पता थे, जब मासेस पता होते हैं तो मैं सबके मासेस मुझे इंडिविजुअली पता है, वरना मैं उसको डेंसिटी इनटू एरिया इनटू थिकनेस से करता, यहाँ तो मैंने ये डिस्टेंस, ये एक लेंथ है, ये लेंथ है ए,
अगर ये लेंथ ए है तो सिमेट्री से ये लेंथ ए बाय टू होगी। जो एल शेप था और आइडेंटिकल सब बना था, ए एक इसकी थिकनेस नहीं है, ये विड्थ है। अगर ऐसा स्क्वायर था, ऐसा स्क्वायर था तो उसकी ये लेंथ भी ए थी और उसकी विड्थ भी ए थी, और थिकनेस तो फिर हम उसको ऐसा कुछ जो 3D में इमेजिन करेंगे, जब 3D में इमेजिन करेंगे तो ये चीज थिकनेस कह रहा है। अभी ये एल है और ये एल है, और इसकी ये थिकनेस वाला हमें जरूरत नहीं पड़ी सोचने की, क्योंकि हमें डायरेक्टली उनके मासेस के बारे में जानकारी प्राप्त है। मेरा फॉर्मूला होता है m1 x1 टाइप का। नाउ आई डायरेक्टली नो m ऑफ ईच पार्ट एज m बाय 3 और 2m बाय 3। और a जो है वो थिकनेस नहीं है, वो स्क्वायर की है। यस सर, वो मैंने ब्रेथ को थिकनेस ही बोल दिया बाय मिस्टेक। अब हाँ ठीक है, मतलब अब ये क्लियर है क्या आपको? यस सर। मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि अगर मासेस डायरेक्टली दिए तो आपका काम काफी सिंपल है। जब मासेस नहीं दिए हैं तो आपको डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, वो एक स्टेप ज्यादा हो जाता है। यहां तो टोटल मास दिया था तो मैं डिवाइड करके अपने हिसाब से हर सेक्शन का मास बता सकता था। अगर मैं इसको 3 स्क्वायर में बांटता जैसा कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में बांटा है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में कहें ये बांट लो, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये सब आइडेंटिकल है ऐसे, तो फिर हर एक का मास m/3 हो जाता है। और मेरी इक्वेशन में मुझे 3 पॉइंट्स के डिसीजन लेने पड़ते, 3 पॉइंट्स के सेंटर्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 पार्टिकल्स के, मुझे इसका निकालना पड़ता, इसका निकालना पड़ता और इसका निकालना पड़ता, और फॉर्मूला भी लंबा हो जाता। इसलिए मैंने प्रेफर ये किया कि मैं सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम में रिड्यूस करूं। फिर अपने आप में सफिशिएंटली बेकार सवाल है, आप इसे ना करें और अपनी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए मेरे पास यही आपसे कहना है कि हालांकि ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है पर कभी जेई में तो आता, जेई में तो खैर आ सकते हैं इस लेवल के क्वेश्चन, पर कभी नहीं आया है। रिपीट में फिर से ये करूंगा कि अगर ये कभी डायरेक्टली मास टोटल दे दे और उसको सिमेट्रिकली अपने हिसाब से डिवाइड करके आप बाकी सेक्शंस के मास m बाय 3 या 2 m बाय 3 या कुछ बता सकें तो ये सवाल करने लायक है, और वरना आपको लेमिना के लिए लेना पड़ता है। ये डिस्क जैसी चीज है ना, उसका सर्किल ना काट के आपने स्क्वायर किया, एल शेप काट दिया डिस्क में से, तो वहां मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड एरिया इनटू थिकनेस, तो m प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है इन दैट केस। फिर आपको एरिया लेने पड़ते हैं a/3 टाइप से। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह रहा उस बारे में, सब छोड़ दीजिए आप, ठीक है। फाइनली मैं उस पार्ट पे आपके सामने आ रहा हूं जिसमें सर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वो बहुत छोटे भी होते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है ना तो सवाल टिपिकली लेंदी ही जाएगा, या तो वो 2 पार्टिकल सिस्टम हो और एक मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी है तो ठीक है, तो वो छोटा सवाल है। वरना अगर आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्सीएम और वाईसीएम दोनों, तो बहुत लेंदी सवाल होगा। और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो आप अंडर रूट ऑफ एक्सीएम स्क्वायर प्लस वाईसीएम स्क्वायर करेंगे, वो तो और एक स्टेप एक्स्ट्रा ही होगा। हाँ, मैंने कहा था m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2 पोजीशन वेक्टर ऑफ फॉर्म निकालना हो तो वो जरूर एक छोटा सवाल होता है। उसके अलावा अब जो मैं बता रहा हूं केवल वो सारे सवाल बड़े छोटे होंगे और बड़े मस्त होंगे। हेडिंग दे दीजिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 पार्टिकल सिस्टम। इनिशियली मैं केवल 2 पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल। इसमें दो तीन रिजल्ट लिखे, पहला रिजल्ट लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास, शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
displacement in center of mass, then it shift in the position of center of mass. तो इसमें सपोज पहला पार्टिकल जिसका मास m1 है, m1 वाले पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा x1 चलिए दीजिए, लेट द डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल ऑफ मास m1 ये डेल्टा x1 एंड डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल ऑफ मास m2 displacement of the particle of mass m2 be delta x2 delta x2 then displacement in the center of mass of the system is given by is it x cm ka formula m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 था ना, इसलिए delta x cm का formula m1 delta x1 plus m2 delta x2 upon m1 plus m2, ये पांच स्टार वाला formula है, पांच स्टार के बाद भी इसमें लिख देना चाहिए तीन बार, very important. अफकोर्स ये सब कायदे से वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए, तो अगर वेक्टर फॉर्म में देगा जानकारी तो आप वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं. अगर टू पार्टिकल सिस्टम है और उसमें से एक पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट उसमें डेल्टा एक्स वन है और दूसरे पार्टिकल की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स टू है, तो सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा अप्लाई है. अलग से लिख दीजिए, their all displacements are actually in vector form, actually in vector form mein hai, aap distance ki baat nahi kar rahe, displacement ki baat kar rahe hain. To naam agar vector hai to hum chahe dobara bole ya na bole hum keval vector form ki hi baatein karenge hamesha. Hum agar velocity bole force bole to vector hi inke hone ka vector hone ka hi ehsaas hamare dimag mein aana chahiye, inhone direction mangi ho ya na mangi ho. जैसे अगर एक पार्टिकल को डायग्राम में उसने दिखा दिया कि यहाँ जा रहा है, एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तो मैं डेल्टा एक्स वन पॉजिटिव ले रहा हूँ तो डेल्टा एक्स टू मैं अपने आप ही नेगेटिव दूंगा, नेगेटिव लेना चाहिए, बस ये काम. इसी तरह हेडिंग पार्ट सेकंड है, पहला रिजल्ट ये था, हेडिंग तो वही चल रही है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका पहला रिजल्ट ये था डिस्प्लेसमेंट, बट टू लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, velocity of center of mass. तो बस वही time से divide कर दो, जैसे जो delta x cm था, m1 delta x1, हम इसका derivation लिख तो नहीं रहे, पर मैं ऐसे बोल के बता दे रहा हूँ कि अगर तुम उधर time से divide करोगे तो ये velocity बन जाएगा, इधर time से divide करोगे तो v2 बन जाएगा, इधर time से divide करोगे तो velocity of center of mass. तो इतना लिख देते हैं dividing both sides by t. ये भी पांच स्टार वाला फॉर्मूला है और मस्त सवाल है, हद से ज्यादा आसान न्यूमेरिकल बनता है इस पर. मैं सवाल अभी करवा तो नहीं रहा आपको, परंतु बोलूंगा जैसे m1 को दे देगा 1 kg, m2 को दे देगा 3 kg, v1 को दे देगा i cap plus 3 j cap और v2 को दे देगा 2 k cap minus 5 j cap, ऐसा कुछ. तो भैया सब दे तो दिया, M1 दे दिया, V1 बेटर फॉर्म में दे दिया, और क्या जान लो,
जब उन्होंने सालों ने एरो बना के दे दिया होता कि एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, और एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, अब सेंटर मास की वेलोसिटी निकालो, तो ये नहीं भी देते, नहीं भी देते, तो फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ता ना, इसको मैं जे कैप कहूंगा, इसे माइनस जे कैप कहूंगा, इसे आई कैप कहूंगा। अगर सब उन्होंने आई और जे के रूप में ऑलरेडी दे दिया है तो फिर ये बड़ा आसान होता है। इसका तो एक दो सवाल भी कर लेंगे ना, इसका तो एक दो सवाल भी आपने अभी कभी कर लिया ना, तो आपको एग्जाम तक दोबारा कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद बस फॉर्मूला याद है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। इतना ज्यादा साफ कोई सब्जेक्ट दे नहीं सकता। एक बार इतने अच्छा सवाल कर लिया, एक बार कुछ सवालों में मैंने कहा था ये कि 10-12 बार करना पड़ता, इसको तो एक ही बार करना काफी है। अगर आप करने वाला व्यक्तित्व आपका नहीं है तो ये सवाल एक बार नहीं काफी, और आपको पहला शॉट तो दे आएगा अरे बाप रे, तो बहुत समय से सवाल नहीं थे। बहुत सारे सवाल फिजिक्स में ऐसे हैं, काफी सारे सवाल ऐसे हैं नीट के स्तर, जेई के लेवल की बात नहीं करनी, नीट के लेवल के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनकी एक या दो बार करना ही काफी, बल्कि उल्टा होता है, ज्यादा करोगे तो तुम हायर लेवल के सवाल को तुम्हारा दिमाग जाए। बहुत लिमिटेड वैरायटी करनी चाहिए, बहुत लिमिटेड वैरायटी, हाँ सब बहुत बार उनको बार बार करें, पर वैरायटी बहुत लिमिटेड होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नीट पे 120-130 तक का टारगेट है तो बहुत सारी वैरायटी ना, सेम वैरायटी बार बार करें। 150-60 का टारगेट है तो फिर अलग बात, स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट हो, 150-60 के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि फिर फिजिक्स के लिए आपके पास आता तो है पर टाइम भी तो हो। 150-60 लाने हो ना, फिजिक्स तो बाद में स्ट्रॉन्ग करना, पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग करना कि उसमें से टाइम बचा सको। सही है उसकी बात। और थर्ड इसका रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट था डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेकंड था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और थर्ड है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो VCM था ना, मतलब एक्सीलरेशन होता dv/dt, तो v वाली इक्वेशन को तुम अगर दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट करो, ये m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2 था ना, वैसे दोनों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, ये डीवी बाई डीटी ए हो जाएगा। यार मैं दोबारा ये रिवाइज भी नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा, मुझे ये सब स्टेप अब दोबारा बकवास करने ही लगे। m1 a1 + m2 a2 और m1 + m2, ये भी बहुत शानदार मास्टर वाला, ये भी फॉर्म। तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं आज की क्लास में, बहुत प्यारे तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं। डेल्टा एक्स सी एम वाला तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, m1 delta x1 + m2 delta x2 / m1 + m2, डिनोमिनेटर में तो हमेशा ही m1 + m2 आ रहा है। बी सी एम इज m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2, आई जे के रूप में वो v1 v2 भी दे दें बस मुझे, और ऐसे ही a1 a2 m1 a1 + m2 a2। अगर दोनों के इंडिविजुअल एक्सीलरेशन दे दिए, अगर दोनों पार्टिकल्स के इंडिविजुअल एक्सीलरेशन दे दिए, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जहां आपको एक्सीलरेशन के वेक्टर होने का एहसास जिंदा रखना पड़ेगा। अब ये एक क्वेश्चन है आपका टिपिकल एक्सपोर्ट मशीन वाला, न्यूटन्स लॉ वाला, तो ये है जहां मास m1 है, जहां मास m2। आप जानते हैं कि ये कैसे नीचे जाएगा और ये कैसे ऊपर जाएगा, और एक्सीलरेशन है m2 - m1 सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है, ये इंडिविजुअल इस मास का है ए और इस मास का है ए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो अलग ही आएगा। एम वन अगर मैं उसको प्लस ए कह रहा हूं, चलो ए जे कैप लिख देता हूं उसे,
प्लस एम टू माइनस जे ए माइनस जे है अपॉन एम वन प्लस टू, ये फॉर्म का एक्सेलरेशन। इसमें अब आप वो वैल्यू डालिए हो जाएगा एम वन और ए की वैल्यू वो है बाद में डाल लूंगा शायद एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू ए ईच, ये ए ईच है हर एक का ए उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का असर यहां ले लिया था हमने, अब ए हो जाएगा ए ए फॉर्म, ये ए फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये हो जाएगा एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू एम टू माइनस एम वन अपॉन एम टू प्लस एम वन जी, और फॉर्म का एक्सेलरेशन कुछ और ही आएगा रादर एम टू स्क्वायर माइनस एम वन स्क्वायर टाइप का, जी एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर आ सकता है, एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर, और जो साइन बचेगा बाद में वो देखेंगे उसका क्या करना है अभी, और साइन की चिंता मत करो तुम, बीच में एक माइनस की मुझसे बात मत करना, वो मेरे थोड़ा मैथ्स कमजोर है मेरी मुझे नहीं आता, बीच में माइनस की बात मत करना, अभी तो केवल ये ऑब्जर्व करो कि ए ईच एक अलग चीज है और एक कॉम एक अलग चीज है, और ये कॉम निकालते समय मैंने किसी के एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिखा तो किसी के एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखा, ये मल्टीप्लाई करते समय ये क्या हुआ ये सब मुझे आता नहीं है यहाँ पे, मैंने तो इग्नोर मार दिया इसको, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपके सामने और डायरेक्शन तो अपने आप निकल ही आएगी जब यहाँ माइनस को आप प्रॉपर फॉलो करोगे, एक माइनस कॉमन मिलेंगे, ये एम वन माइनस एम टू है तो ये भी एम वन माइनस एम टू हो जाएगा, और उनकी वैल्यूज डालने के बाद डिसाइड होगा कि आंसर फाइनली पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो भैया पता तो है कि उधर जे कैप तुमने कॉमन लिया और जे को भी मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, जितना ऑप्शंस कहेंगे उतना कर लूंगा, अभी तो मैंने मोटा अंदाजा दिया है, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर मांगता है और ए वन ए टू भी आपको ही निकालने हैं तो वो फिर एक लेंथी सवाल हो गया। हाँ मैंने बाद में यहाँ तक तो लिखा था पर बाद में जी नहीं लिखा, ये लिखेंगे ये बात सही है। वरना तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही थी, इसको ए के फॉर्मूले में फाइनली ऐसा कुछ होना चाहिए कि मासेस का टर्म ऊपर नीचे डायमेंशनली कैंसिल हो रहा और बाद में जी बच रहा, ए के हर फॉर्मूले में फाइनली बाद में जी बचना चाहिए और मासेस वाले जो टर्म जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होना चाहिए डायमेंशन। तो सवाल में ध्यान से देखने वो एडवर्ड मशीन अगर आपको डायग्राम में बना के उसने दे दी फिर आप ये इतनी बार आपने ऐसे पढ़ा है कि आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़ोगे कि आपको ए कॉम निकालना है कि ए ईच निकालना है, आप तो ए ईच ही मार के आओगे, ए कॉम निकालना है ऐसा आप पढ़ोगे ही नहीं सवाल में ध्यान से, आपको एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, या ध्यान से देखिए। यस एनीबॉडी प्लीज, हाँ वो वही मैंने कहा था कि ये सब मुझे ज्यादा आता नहीं है, आप जब उसे करोगे तो आपसे वो बन जाएगा, मुझे आता नहीं है, अब आप कहते हैं तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, फाइनल पॉइंट को एकदम से हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन अगले रिवीजन के लिए देखते हैं, इसको मैं एम वन माइनस एम टू ऐसा लिख सकता हूँ, खाली न्यूमरेटर देख रहा हूँ, ये माइनस बाहर आ गया तो ये एम वन माइनस एम टू एम वन माइनस एम टू हो गया, ये हो गया माइनस फिर एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, ये स्टेप मैंने ऐसे उड़ा देना चाहता था और मैं यही चाहता हूं कि आप भी उड़ा दिया करें, परफेक्शनिस्ट ना बने, डिपेंड ऑप्शन पे करेगा कि आपको कितना डीप में जाना है, अगर उसने डायरेक्शंस की कोई बात नहीं की तो
तो आप भी इस माइनस आपके लिए मायने नहीं है, एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड ही निकालना है बस। हाँ ये मुझे कायदे से स्टेप करने चाहिए थे, पर हर बार मैं तो कहता हूँ हर सवाल बेसिक से करो तो वैसे ही वो लेंदी हो गया, और उसको भी आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो और लेंदी हो जाएगा। स्टार्ट तो बेसिक से करो और फिर ऑप्शंस के हिसाब से डिसाइड करो कि मैं इस बार इस क्वेश्चन में पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, साइन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उड़ा दो सारे। अगर ऑप्शन ने सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मांगी है तो फिर जरूर ये माइनस माइनस को ध्यान दो, और फिर खाली माइनस से कुछ नहीं होगा, अंदर का ब्रैकेट से स्क्वायर है तो चल जाएगा, वो अंदर से तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फिलहाल तो आप खाली इतना ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, कैलकुलेशंस पे ध्यान मत दीजिए, ये सीखिए कि अगर मैं ढंग से सवाल पढ़ लूं कि ईच पार्टिकल निकालना है कि एक फॉर्म निकालना है तो बाकी तो मैं कर लूं, ये बोलिए अपने आप से। ईच निकालना है तो ये प्योर न्यूटन्स लॉ का सवाल है, और एक फॉर्म निकालना है तो फिर मुझे एम वन वेक्टर ए वन प्लस एम टू वेक्टर ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू करना पड़ेगा। ये पांच स्टार वाला है तो फॉर्मूला, पर ये न्यूमेरिकल्स टिपिकली थोड़े लेंदी होते, या तो फिर से वही करें कि A1 को दे दे I और J के रूप में और A2 को भी दे दे I और J के रूप में और सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन निकालने को कहे तो फिर ठीक है। चलो अब इसमें एक सवाल हमसे पूछा गया था कि साहब एक कि सेंटर ऑफ मास ने 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया, ऐसे ही सवाल में, तो सेंटर ऑफ मास का पहले एक्सेलरेशन निकालो और अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो s = ½ a स्क्वायर लगा दो, पर डिस्टेंस बाय ईच पार्टिकल नहीं मांगा था उसने, एक बॉडी कितना ऊपर गई और एक बॉडी कितना नीचे गई। अगर ये मांगा होता तो मैं फिर से s = ½ a स्क्वायर लगाता जहां a हर पार्टिकल का होता, पर एक्सेलर उसने पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास इन 3 सेकंड्स, तो सेंटर ऑफ मास का जगह डिस्टेंस चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोकस करो ना, केवल कहो ना कि सेंटर ऑफ मास अलग होता है और ये दोनों पार्टिकल अलग होते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालो ना। फिलहाल तो इतना ही समझो कि सवाल में ध्यान से पढ़ेंगे कि हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन चाहिए या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पार्टिकल चाहिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास है। फिर आप बढ़िया डिसाइड करोगे कि सवाल करना है कि नहीं करना है। अब इसमें एक्सेलरेशन उसने मांगा था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपने हर एक का एक्सेलरेशन निकाल दिया, सवाल वो गलत गया वो कोई बात नहीं, पर उसमें जो टाइम गया बस उसका दिक्कत, उसके माइनस वन की कोई चिंता नहीं, वो तो ओवरऑल कहीं ना कुछ मेकअप हो ही जाएगा शायद। प्रॉब्लम है कि वो वैसे ही उसकी कैलकुलेशंस अदरवाइज भी लेंदी ही थी और आपने सवाल नहीं पढ़ के इतना सारा टाइम कैलकुलेशंस को दे दिया, इसलिए सवाल का सही पढ़ना जरूरी है ताकि अपन उलझे ही नहीं कुछ कैलकुलेशंस। सेंटर ऑफ मास का अगर इस टाइप का सवाल आता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वगैरह निकालने का या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास तो हम करेंगे ही नहीं, हमें समझ में ये जरूर आना चाहिए कि 2 स्टेप सवाल जा रहा है कि 3 स्टेप सवाल जा रहा है। पहली दूसरी बार में सवाल को बहुत परफेक्शन से सॉल्व मत कर रहे, छोटी मोटी चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो उड़ा दो, वो 2-3-4 बार में खुद ही समझ में आ जाएगी। अब खैर अगर हर एक अलग अलग से इसने ये दे दिया हो x delta x1 delta x2 या v1 v2 या a1 a2, तो हम बढ़िया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ बात कर लें। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका ये भी है, जैसा चलिए हेडिंग दे दीजिए कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास calculation of external acceleration of center of mass when net external force is given, when net external force is given। ये ऐसे बहुत ज्यादा काम का है नहीं, ज्यादा काम के तो भाई
इसमें मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी बॉडी है, इस पे फोर्स सपोज एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगा या ये कई फोर्सेस का रिजल्ट है। देखो इंटरनल फोर्सेस तो कभी कोई मोशन क्रिएट करते हैं, कम से कम इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास में तो कोई मोशन क्रिएट नहीं करते। चलो ऐसा ही लिख लो, इंटरनल फोर्सेस नेवर क्रिएट एनी मोशन इन सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्सेस नेवर क्रिएट एनी मोशन इन सेंटर ऑफ मास, इस पर दो स्टार दे लो। दो, इंटरनल फोर्सेस मे समटाइम कॉज, इंटरनल फोर्सेस मे समटाइम कॉज मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इंटरनल फोर्सेस मे समटाइम्स कॉज, तो इंटरनल फोर्सेस मे समटाइम्स कॉज मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। भाई एक बॉम्ब फटा तो इंटरनल फोर्स थे तो उसमें सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह पे ही रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन है ना। इंडिविजुअल पार्टिकल्स में तो मोशन हुआ। जब हम कहते हैं कि इंटरनल, न्यूटन्स लॉ में पढ़ा इंटरनल फोर्सेस कभी कोई मोशन क्रिएट नहीं करते, वो बेसिकली अगर उसको सही सही पूरा तब पढ़ाया जाता तो हमें कहना था कि वो सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन क्रिएट। कभी कभी आपको डाउट आएगा कि नहीं है तो इंटरनल फोर्स है मोशन कैसे क्रिएट कर रहा है, तो बोलना ये जिसमें तुम्हें दिख रहा है उसमें तो कर रहा होगा पर सेंटर ऑफ मास में नहीं कर रहा। सर टिपिकली मैं एक एग्जांपल बोल के बता रहा हूँ, लिखवा कुछ नहीं रहा, या थोड़ी देर बाद इसका एक न्यूमेरिकल भी दे दूंगा, अभी सुन लीजिए। एक फ्रिक्शनलेस रेल्स पे एक ट्रॉली खड़ी हो, फ्रिक्शनलेस रेल्स पे एक ट्रॉली खड़ी है और उसके अंदर एक आदमी चल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है मस्त। तो जैसे वो आगे जाएगा आदमी तो ट्रॉली पीछे आएगी, ट्रॉली में जब वो आदमी आगे जाएगा ना ट्रॉली के रिस्पेक्ट में तो पूरा सिस्टम पीछे आएगा। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स में तो मोशन हुआ पर इस समय भी क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं था ना, सिस्टम में सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन नहीं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स में कभी कभी मोशन होगा, तुम नहीं समझ पा रहे हो तो थ्योरी से तुम्हें ये सोचने की जरूरत भी नहीं है। और अरे यार ये कैसे हो गया, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं तो मोशन कैसे हो गया। आदमी पे अगर तुम देख रहे हो कि आदमी में मोशन कैसे हो गया तो ट्रॉली के फ्रिक्शन के कारण आया होगा, ट्रॉली और आदमी में तो फ्रिक्शन होगा ना, तो ट्रॉली के अंदर चल पाएगा। खैर हमें मतलब ये सब जवाब नहीं देने चाहिए, इनको सोचने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए हम, नहीं तो इसकी थ्योरी में ही ऐसे उलझ जाएंगे कि मैथ्स पे से हमारा ध्यान हट जाए। अगर कुछ जवाब आपको नहीं मिल रहा है थ्योरी से तो आप उन्हें अवॉइड ही कर दीजिए, सवाल पूछिए ही मत अपने आप से, सोचिए कि मैं इसका मैथमेटिकली क्या कर सकता हूँ। ट्रॉली में एक आदमी खड़ा है और वो चल रहा है, आदमी अगर आगे जाएगा तो एज अ होल पूरा सिस्टम पीछे आएगा। इंडिविजुअली ट्रॉली भी पीछे आ रही है और इंडिविजुअली आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है। जमीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आदमी आगे जाएगा, जमीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पूरी ट्रॉली पीछे आएगी, पर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। यही सब हमें ढंग से पढ़ना है। खैर अभी तो खैर मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि इंटरनल फोर्सेस, पता नहीं क्या लिखवाया था अपने, इंटरनल फोर्सेस नेवर क्रिएट एनी मोशन इन सेंटर ऑफ मास, बस ये हम ऐसा थम रूल बना के रट लेते हैं बिना किसी लॉजिक के। और उसमें ये लिख दीजिए, बस ये डायग्राम बना दीजिए और लिख दीजिए, टू फाइंड एक्सीलरेशन इन सेंटर ऑफ मास, टू फाइंड एक्सीलरेशन इन सेंटर ऑफ मास वी शुड अज्यूम दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स, the net external force is acting directly, the net external force is acting directly on the center of mass, is acting directly on the center of mass। ये लाइन में कोई ज्यादा खास काम की है नहीं, यहां काम करने के बजाय आपको यह मान लेना चाहिए ऐसा का ऐसा ही यहां काम,
और आपने सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे एज अ पॉइंट मास रखा ही हुआ है, एक मास है और उस पर ही बस एक फोर्स काम कर रहा है, तो वो उस मास में ट्रांसलेटरी मोशन पैदा करेगा। मैं पूरी बॉडी के मोशन की बात नहीं कर रहा, मैं केवल सेंटर ऑफ मोशन सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात कर रहा हूं। ये जो डिस्कशन में कर रहा हूँ कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। खैर ऐसा लिख दीजिए कि देयरफॉर द मोशन इन सेंटर ऑफ मास विल ओनली बी ट्रांसलेटरी, ओनली बी ऑलवेज ट्रांसलेटरी। मोशन इन सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी ट्रांसलेटरी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अगर ये बॉडी पहले से रेस्ट पे थी तो बस जहां नेट फोर्स लग रहा है वहीं एक्सेलरेशन होगा। ये लाइन मेरे कोई खास काम की नहीं है, मुझे ये समझना है बस कि पहली बात तो है कि मैं बॉडी का मोशन इमेजिन नहीं कर रहा। ये फोर्स तो अगर तुम्हें टॉर्क वॉर के कॉन्सेप्ट आते हो, रोटेशन के कॉन्सेप्ट आते हो, तो बॉडी में तो रोटेशन भी पैदा करेगा ये फोर्स, क्योंकि थोड़ा ऊपर से काम कर रहा है, बॉडी में तो रोटेशन भी पैदा करेगा। पर मैं इस पूरी बॉडी के मोशन को इमेजिन नहीं कर रहा, मैं खाली सेंटर ऑफ मास के मोशन को इमेजिन कर रहा। सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट मास होता है कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, और सारा का सारा फोर्स डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ मान लिया जाए तो फिर तो टॉर्क तो है ही नहीं, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और इस पॉइंट के जहां मास है वहां कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, कोई टॉर्क तो है नहीं, ये केवल ट्रांसलेशन पैदा करेगा। सेंटर ऑफ मास एक फ्री पार्टिकल की तरह इमेजिन किया जाए, ये फ्री है, फ्री रखा है और उस पर एक फोर्स काम कर रहा है, इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा और ज्यादा डीप में जाना भी नहीं चाह रहा, इसमें केवल ट्रांसलेटरी मोशन होगा, रोटेटरी मोशन नहीं होगा। ऐसा ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ऑलवेज ट्रीट सेंटर ऑफ मास एज अ फ्री पार्टिकल, ऑलवेज ट्रीट सेंटर ऑफ मास एज अ फ्री पार्टिकल। बस ये कोई लाइनें कोई खास काम की नहीं। हाँ मैं इसको, मेरे पास ACM का फॉर्मूला आया था ना, M1A1+M2A2/M1+M2, उससे मैं ये दिखा सकता हूँ ACM ऊपर जाके टोटल मास हो गया, सबमिशन ऑफ M हो गया, और शायद ये तो वेक्टर F1+F2 हो गया, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स यही आया ना, एक्सेलरेशन इन सेंटर ऑफ मास कभी आपको निकालना हो तो आप ऐसे ही निकालेंगे, एफ नेट अपॉन समेशन ऑफ एम, ऐसा कुछ आप देखिए। ऐसे कोई खास किसी काम का नहीं, लिखना तो है। मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम ए फोर्स हो गया और वेक्टर F1+F2 नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहा है जहां सिस्टम का सारा मास M1+M2 रखा है, और नेट एक्सटर्नल फोर्स को MA से इक्वेट कर दीजिए। कभी कभी शायद ये भी काम आ जाए, मैं तो इस पर फिलहाल कोई स्टार नहीं दे रहा, जब कोई इसका न्यूमेरिकल सामने आएगा तब देखेंगे। मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट केवल वही है डेल्टा एक्स सी एम इज M1 डेल्टा एक्स M2 डेल्टा X2 अपन M1+M2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज M1V1+M2V2 अपन M1+M2, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज M1A1+M2A2 अपन M1+M2। ये मेरे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके अलावा थ्योरी की एक बात मैंने पढ़ी कि सेंटर ऑफ मास में केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन के लिए पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास में कभी रोटेटरी मोशन नहीं हो ही नहीं सकता। इसके अलावा ये सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मास एम के पार्टिकल पे अगर इस फोर्स काम करेगा तो एम इज़ इक्वल टू एम ए को निकालेंगे, ये काम का नहीं। होगा तो थोड़ा बहुत काम का, पर ये कोर मैटर नहीं है, हो सकता है सवाल आ जाए, और बनता जो सवाल है वो बड़ा प्यारा सवाल भी बनता है।
जिसके आने के ज्यादा चांसेस है, जो कोर मैटर है हमारा पहला फोकस उन्हीं पे रहना चाहिए। तो बिल्कुल ही काम कर रहा हो तो शायद मैं आपको पढ़ाऊं भी नहीं, ये पढ़ाया है तो उसकी मुझे मालूम है कि कभी ना कभी ये सामने आएगा, इसलिए पहले से बता के छोड़ दिया। और अभी तो तुम्हारा सारा ध्यान वो तीन बेसिक फॉर्मूला पे होना चाहिए, खास तौर से डेल्टा एक्स एम इक्वल टू एम1 डेल्टा एक्स1 प्लस एम2 डेल्टा एक्स2 अपॉन एम1 प्लस एम2 वाले फॉर्मूले में, वो सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला, उसे हम कोर मैटर कहते हैं। उसमें से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें मैं सवाल आपको दे देता हूँ, जैसे बॉडी बना लीजिए, बॉडी का मास m है और दूरी f लग रहा है, ये ग्राउंड है और हमारी डेज है, ये तो a c m ये भी मैक्सिमम कुछ बोला नहीं है, तो हमें चिंता नहीं करनी कि अगर ये बोला तो है नहीं, अगर यहाँ फ्रिक्शन है कि नहीं, बोले ही नहीं, तो we will always make simplifying assumptions. ये max will be maximum when h is. Options तो वैसे ही हैं, कुछ h by 2 है, कुछ h by 3 है, कुछ h by 4 है, ऐसा वैसा कुछ, ऐसा आंसर मालूम है क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, जो उस डेटा पर बेस्ड है, तो मैंने अभी भी पढ़ाया है, तो फोर्स कहीं भी लग रहा हो, अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास में एक्सीलरेशन चाहिए, फोर्स यहाँ भी लग रहा हो, पर तुम्हें अगर सेंटर ऑफ मास में एक्सीलरेशन चाहिए तो मानो ना कि फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स कहीं भी लग रहा हो, मैं बॉडी के एक्सीलरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की बात कर रहा। तो हमने तो उसमें रूल बनाया था कि फोर्स कहीं भी लग रहा हो, फोर्स कहीं भी लग रहा हो, अगर आपको सेंटर ऑफ मास में एक्सीलरेशन निकालना है तो आप ये मानना कि फोर्स डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, तो कहीं भी लग रहा हो हमें उस एच से कोई मतलब ही नहीं। अब ये कॉन्सेप्चुअल सवाल इस पे बनता है, और ये ट्राई करने की कोशिश की कि गए काम से आप, इस पे तो नेगेटिव होना पक्का ही है अगर ये सवाल पहले से देखा हुआ नहीं है। तो जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है मेरे हिसाब से वो अच्छे सवाल नहीं है करने लायक, जो प्योर न्यूमेरिकल है और जिनमें कोई डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है वो न्यूमेरिकल बेस्ट होते हैं, इसलिए वो सब कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने पढ़ा है, एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला एम इनटू एसीएम, वो काम नहीं आएगा। एसीएम का फॉर्मूला एम वन वेक्टर एम वन प्लस प्लस एम टू वेक्टर ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा जो पढ़ाया, और इसको ज्यादा सीखोगे और अगर थ्योरी से ही सवाल करना पड़ रहा है तो गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस। इंटरनल फोर्सेस वाली बात को लेकर टिपिकली ये एक क्वेश्चन बनता है an electron or proton are initially at rest some distance apart. Find the velocity of center of mass. V1 भी जीरो है, V2 भी जीरो है, जब कोई पार्टिकल ही नहीं हिल रहा तो सेंटर कहां से ले? M1, V1, मेरे को देखिए कौन सा ध्यान आना चाहिए, कोई थियोरी नहीं याद आनी चाहिए, थियोरी नहीं याद आनी चाहिए, गलती से फॉर्मूला याद आना चाहिए, M1 V1 plus M2 V2 upon M1 plus M2, उसमें V1 भी जीरो है, V2 भी जीरो है,
जब दोनों पार्टिकल भी रेस्ट पे हैं तो कुछ सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्चुअली पार्टिकल तो है ही नहीं, वो तो एक इमेजिनरी पॉइंट है, वहां कोई मास ही नहीं है। पार्टिकल्स तो ये M1 M2 वाले ही हैं। खैर आगे अगली लाइन वाली चीज है, ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब हमने इनको फ्री कर दिया है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये स्टार्ट and velocity of the fluid is V by velocity of the fluid. इस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी V है, उस इंस्टेंट पे प्रोटॉन की वेलोसिटी बताएं। इसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी ई है, उस इंस्टेंट पे प्रोटॉन की वेलोसिटी बता दें। तो वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं इसलिए कहीं ना कहीं फॉर्मूला तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू वाला ही आएगा, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। मुझे ये पता है कि अगर इनिशियली एक बढ़िया काम की बात मैं ये कर रहा हूँ, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे बिल्कुल छह सात आठ स्टार दिए जा सकते, ये बहुत प्यारा सवाल है और इसी से मिलते जुलते दूसरे सवाल सामने आपके आते, बहुत ही सुंदर सवाल है। तो भाई देखो, इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और इसमें एक्सटर्नल फोर्स को कोई काम कर नहीं रहा, इंटरनल फोर्स के कारण लोग पास आ रहे हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा तो सिस्टम में एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है, जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की बाद में रहेगी, और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही थी, तो सेंटर ऑफ मास की हमेशा वेलोसिटी जीरो ही रहेगी। अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना, तो प्रोटॉन की भी बढ़ती जाएगी, पर सेंटर ऑफ मास की बराबर नहीं रहेगी क्योंकि मासेस बराबर नहीं है। देरी से डिसाइड मत करो, जब तक कोई इक्वेशन लिख नहीं लेते, जब तक पेन चला नहीं लेते, दिमाग चलाने से तो आंसर नहीं आते फिजिक्स के, पेन चलाने से आंसर आते। तो अभी तो तुम पहले वो लिखो जो मैं डिक्ट कर रहा हूं, लिखो एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो और फिर लिखो एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला है एम ए सी एन, एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ कॉम, और एफ एक्सटर्नल जीरो है तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉम इज जीरो, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो है और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एक्सीलरेशन हो जाता है डेल्टा वी सी बाय डेल्टा टी, अब अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो है तो डेल्टा वी सी एम जीरो, वी सी एम इनिशियल इज इक्वल टू वी सी एम फाइनल, फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। और इस सवाल में इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के जीरो होती है। ज्यादातर सवाल जो तुम्हें मिलेंगे उनमें सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होगी, हमेशा होगी ऐसी गारंटी नहीं है, और तुम्हें जो सवाल मिलेंगे उसमें 99% यही उम्मीद है कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो फिर सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी तो जीरो होगी, है ना। सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, ऐसे लिख दो। इन मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज लाइकली टू बी गिवन टू बी जीरो इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स।
we are likely to be given to be velocity of center of mass to be zero. Velocity of center of mass, वो बोलेगा initially center of mass is at rest, ऐसा कुछ तो जरूर बोलेगा, उसको अपन अच्छे से छांट लेंगे, ढूंढ लेंगे. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रेस्ट पे है ऐसा वो जरूर बोले. तो बस फिर तो लिख लीजिए इन सच मेरिकल्स सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट थ्रू आउट. इन सच मेरिकल्स सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट थ्रू आउट. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, जो कुछ भी हो रहा है इंटरनल फोर्स के कारण हो रहा है, और सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा. इसमें आगे लिख दीजिए एयर एयर ड्यू टू एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ both electron and proton will go on increasing with time. दोनों में ही acceleration हो रहा है. Velocity of both electron and proton will go on increasing with time. But the center of mass will not move. Center of mass will not move from its place. Center of mass will not move from its place. इलेक्ट्रॉन तो चलेगा, प्रोटॉन तो चलेगा, पर सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा. बड़ा पांच स्टार देखिए, एक लाइन लिख दीजिए, बड़ा बड़ा लिख दीजिए कॉपी में. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड. ब्रैकेट में if f external is zero, if f external is zero and initial velocity, initially the center of mass is at rest, external force bhi nahi hai aur initially center of mass rest pe hai, usme ek aur baat add kar lijiye bracket mein hi, with respect to ground, ground se dekhne pe center of mass apni jagah se nahi hilega. अपनी जगह से देखने पर सेंटर ऑफ मास, ग्राउंड से देखेंगे आप, ग्राउंड से देखेंगे तो ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास फिक्स दिखेगा. ये बहुत काम का स्टेटमेंट है. इस पर खूब सारे सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल पेपरों में आए हैं और ज्यादातर वो इसी बात को डायरेक्ट बस पूछते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल रूप दे देते हैं. सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो तो फिक्स्ड है भैया. ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से देख रहा है तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलता. तुम्हें ज्यादातर सवालों में वो दोनों ही बात देते हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्स तो खैर देते ही नहीं और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे होता. जैसे शायद नीट 21 में क्वेश्चन आया था कि एक ट्रॉली है उसमें बॉल बॉल टप्पे खा रही है, ट्रॉली रेस्ट पे थी और बॉल टप्पे खा रही है, यहां वहां घूम रही है, दीवारों से टकरा रही है, कुछ कुछ तो भी डेटा फेटा और दे दिया था डराने के लिए और बोले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो जीरो. या वो फिक्स्ड, या फिक्स्ड पूछा था या जीरो कहा था. हाँ, ऐसे वाले कॉन्सेप्चुअल सवाल थोड़े थोड़े बढ़िया होते हैं. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो बाद में ये दो अपने आप चल सकते हैं. जैसे मैंने कहा था ट्रॉली में आदमी चल रहा है तो आदमी आगे जा रहा है और पूरा सिस्टम पीछे आ रहा है, तो आदमी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा हिला, ट्रॉली भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा पीछे आई, पर दोनों आदमी प्लस ट्रॉली सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो अपनी जगह से एक सेंटीमीटर भी नहीं हिला. आदमी जमीन से देखने वाले, जमीन से अगर मैं देख रहा हूं ना तो आदमी ट्रॉली को, ट्रॉली के अंदर आदमी खड़ा है और ट्रॉली के अंदर आदमी चल रहा है, मैं जमीन से खड़े होकर देख रहा हूं तो मुझे वो बकायदा दिखेगा कि वो आदमी थोड़ा आगे तो गया और ट्रॉली थोड़ा पीछे तो आई, पर सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का अपनी जगह से कभी टस से मस नहीं. ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है और इस पे
खूब न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस सवाल में अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जब दी है वो सिस्टम के प्रोटॉन की वेलोसिटी निकालो, तो तुमको कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो फिर यही लगाना पड़ेगा, एम इलेक्ट्रॉन बी इलेक्ट्रॉन प्लस एम प्रोटॉन बी प्रोटॉन प्लस एम बी, और अब ये जीरो है, जीरो है, जीरो से इक्वेट कर देता हूं जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन वाला केस हुआ मोमेंटम कंजर्वेशन तो खरे अलग है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। नहीं नहीं इतना ज्यादा बीच में मत सोचा करो, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्वेश्चन में जो दिया है कि वे दूसरे की तरफ आ रहे हैं इससे कोई बात वो जब इलेक्ट्रॉन के इधर जाएगा तो प्रोटॉन इधर जाएगा। अब कैलकुलेशन से जो माइनस साइन आ रहा है वो आप माइनस साइन देंगे, कैलकुलेशन से जो साइन आ रहा है उसी पे डिपेंड करता है, और वो सब जब ऑप्शन आपके सामने होंगे तब आप ज्यादा सोचना, अभी से बैठे ज्यादा मत सोचो, ये थोड़ी ओवर थिंकिंग कहलाती है कि ऑलरेडी सवाल में मेंशन कर दिया था कि वो इधर आ रहा है। अगर माइनस साइन दिया है तो आपको माइनस साइन देना पड़ेगा, एक माइनस में भी ऑप्शन है एक प्लस में भी ऑप्शन है, तो फिर आपको जो कैलकुलेशन से आया है वो देना है। और ये सब सवाल में जहां आपको एक्चुअल डाउट आए वो सवाल विद ऑप्शन तो था ला, तब बात करने में ज्यादा मजा आएगा, और अदरवाइज अपन भी ऐसे डाउट्स को थोड़ा दबाने की अगर कोशिश कर ले तो अच्छा है, बहुत फाइनल पॉइंट्स पे आप जाते हैं। तो आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं रैंक लीड्स है तो फाइनल पॉइंट्स से आपके बचे हैं शायद, इसमें ठीक है जस्टिफाइड है, पर अभी भी आई विल एडवाइज के बहुत फाइनल पॉइंट्स के बारे में पहले से ज्यादा ना सोचे, आने दो तब देखें, कभी ऐसी सिचुएशन ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली सामने आएंगी नहीं। अगर हम पूछ रहे हैं किसी एक की वेलोसिटी दूसरे की निकालो तो मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा सकता हूं, और उसमें मुझे मालूम है कि एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा, तो उसमें वी कॉम को जीरो डाल दो आंसर आ जाएगा। सबसे मजेदार सवाल यह आता है कि इसमें खैर असल होता यही है, इसमें होता यही है, देखो ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, सेंटर ऑफ मास किसके ज्यादा करीब आएगा, भारी के ज्यादा करीब रहता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ, तो जब ये दोनों चलेंगे ना थोड़ी देर बाद ये यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा पर प्रोटॉन नहीं यहाँ होगा, और थोड़ी देर बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा पर प्रोटॉन यहाँ होगा, और थोड़ी देर बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो प्रोटॉन यहाँ होगा, और थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो प्रोटॉन यहाँ होगा, ऐसा पर सेंटर ऑफ मास हमेशा अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, ऐसा भी कुछ डायग्राम दिखा लें तो अच्छा है। ये यहाँ होगा तो यहाँ होगा तो सेंटर ऑफ मास पर इनका यही आएगा कैलकुलेशंस, ये तो हम वही बोल रहे हैं कि वो फिक्स है, सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स है, position of individual particles will change due to their velocity and due to their acceleration, position of individual particles will change but position of center of mass will remain fixed, इसमें बड़ा प्यारा पार्ट ये है सी या डी जो भी पार्ट है, सपोज ये डेल्टा एक्स वन है
और ये डेल्टा x2 है, ये अभी लिख सकता हूं वन पार्टिकल अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 द सेम टारगेट अदर अंडर फोर्स displacement delta x2 one particle undergoes displacement delta x1 बहुत important वाला, ये तो अलग से छह सात देने वाला part है, ये वाला ये part बहुत ज़्यादा important, बहुत ज़्यादा बार आया है ये exams directly, यही कम से कम तीन बार आया है। एक particle में displacement delta x1 और उतने ही time में दूसरे particle में displacement delta x2 है, what is the relation between? डेल्टा एक्स वन में और डेल्टा एक्स टू में इस सवाल में क्या रिलेशन, इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या इसमें इतना हो रहा है तो इसमें इतना हो रहा है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है तो डेल्टा एक्स सी एम का फॉर्मूला लिख दो, एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा मास्टर कह रहा है डेल्टा एक्स सी एम तो हमेशा ही जीरो लेना, सेंटर ऑफ मास तो फिक्स्ड है, कूटे से बांध के गाड़ दिया, नहीं मतलब कूटे से बांध दिया बस गाड़ा भाई, ये तो फिक्स है तो एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू जीरो माइनस साइन की परवाह नहीं करता शुरू में, सवाल आएगा तो देखेंगे माइनस साइन का करना क्या है। माइनस साइन तो मैं चाहता हूँ किसी में ज्यादा मॉडल ही मत कर, भैया कर लो मालूम नहीं कह रहा हूँ, उसे इग्नोर करो, तुम कह रहे हो आप ही हो रहा है वरना कर लो, आ रहा है कैलकुलेशन से तो आएगा ही, उसको आपको समझना पड़ेगा कि जब ये एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, या तो जो कैलकुलेशन से आ रहा है बस आपको स्ट्रिक्टली उसे ही करते चाहिए, चलिए दिमाग मत लगाइए, तो आ रहा है फिर तो माइनस लाइए हमेशा आप, वही सेफ है, और ऑप्शंस द बेटर फिर यही है कि आप उसको माइनस आ रहा है तो लिखिए माइनस, अवॉइड मत करिए, और बाद में देखिए अगर माइनस में ऑप्शन नहीं है तो माइनस इग्नोर कर दीजिए, और माइनस है तो आप भी माइनस ले लीजिए, बेस्ट तो यही है फिर कि गो स्ट्रिक्टली बी मैथमेटिकल, और माइनस आ रहा है तो कैलकुलेशन से तो आने दीजिए, और फिर ऑप्शन से डिसाइड करिए कि उसका कुछ डिसीजन, कुछ माइनस का कोई इंटरप्रिटेशन निकालना है या बस माइनस को इग्नोर करना है, आ इसलिए रहा है क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है ही है, एक इधर हिला और एक इधर हिला तभी तो सेंटर ऑफ मास नहीं हिला, ये भी यहाँ जा रहा होता और ये भी यहाँ जा रहा होता तो सेंटर ऑफ मास भी चल जाता, तो सेंटर ऑफ मास भी चलता, तो एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, इसलिए बैलेंस्ड रहा, यह कानून साबित, ये सवाल पता नहीं कितनी बार आया कि एक इतना चल रहा है तो दूसरे को कितना चलना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले, बस सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले और डेल्टा एक्स सी एम जीरो, मैंने इस फॉर्मूले में तुमसे पांच से ज्यादा स्टार लगाने को कहे थे, लेकिन वो तीनों फॉर्मूला में से ये सबसे ज्यादा काम का लगता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसमें ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन में कि प्रोटॉन में, मतलब थ्योरी से दूसरी मैथमेटिक्स से भी कह सकते हैं, फिर एक लाइन लिख दीजिए कि इन दिस क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, जैसे जो मेरे डायग्राम में भी दिख ही रहा था, खैर displacement in electron will be more,
being lighter, its acceleration is more. ये हल्का है और इसका acceleration ज्यादा है. ब्रैकेट में लिख दीजिए F इज इक्वल टू एम ए. फोर्सेस तो दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, फोर्सेस बराबर हैं, तो एम इंटू ए बराबर है, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू वन बाय एम. और मेरे डायग्राम से तो देख ही रहा था कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर यहाँ चल रहा है. मैथमेटिक्स से भी समझ में आया कि हल्के पार्टिकल में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसमें हाफ ए टी स्क्वायर ज्यादा होगा. सबसे प्यारी बात यह है कि फाइनली क्या होगा, फाइनली ये लोग मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ. इसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दीजिए, हालांकि स्टार तो चलो दो या तीन स्टार दे भी दीजिए. फाइनली बोथ विल मीट एट कॉम, सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे. फाइनली बोथ विल मीट एट सेंटर ऑफ मास. तो इसमें अभी अगला पार्ट है इसी सवाल में, डी या ई जो भी पार्ट है, ई पार्ट लिख दीजिए. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिफोर द टू पार्टिकल्स मीट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर द टू पार्टिकल्स मीट. तो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस देख लेते हैं. लिख दीजिए वी शुड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फॉर्म पे है, सेंटर ऑफ मास पे. तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी दूरी तय की, जितनी उसकी इनिशियल पोजीशन से जो उसके फॉर्म का डिस्टेंस है ना, उतनी ही दूरी हर पार्टिकल फॉर्म पे मिलने के पहले जो दूरी तय करता है वो उसका उसके फॉर्म से इनिशियल डिस्टेंस के बराबर होता है. ये लाइन हमारी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में काम आया करेगी. सलीम जी फिर से चार स्टार लाइन वाला स्टेटमेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिफोर द टू पार्टिकल्स मीट एट कॉम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिफोर द टू पार्टिकल्स मीट एट कॉम. Is equal to the distance, between the initial position of the particle, distance between the initial position of the particle and center of mass. मतलब जैसे इस सवाल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन हो जाएगा होगा पड़ोसी का मास और टोटल मास टोटल डिस्टेंस. ये पार्टिकल ये है, ये M1 है जैसे, और ये M2 है और ये फॉर्म है. तो ये तो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो यहाँ मिलेंगे. तो मुझे ये X1 निकालना है ना, जैसे यहाँ से फॉर्म की दूरी चाहिए, पड़ोसी का मास और टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस, ये आसानी से निकल आएगा. मुझे एम वन और कॉम का डिस्टेंस से एम वन से एम वन मेरा ओरिजिन है, जहां से चाहिए वहां जो मास रखा है वो ओरिजिन है. ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा काम आता है, कुछ ना कुछ समझ ना आ रहा हो
और सवाल करना जरूरी हो तो ये रिस्क ले लेना, अगर ऐसी लैंग्वेज थोड़ी बहुत मैच कर रही हो। मिलने के पहले कौन कितना चला, दो पार्टिकल है, एक डिस्टेंस दिया है, तो बस जो चला अगर उसका डिस्टेंस निकालना है तो पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द टोटल इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है, ये भी बहुत ज्यादा। टिपिकली ऐसा भी क्वेश्चन इसमें चलिए लिख लेते हैं, टू स्केटर्स ए एंड बी, टू स्केटर्स ए एंड बी होल्ड वन टू अरो, टू स्केटर्स ए एंड बी होल्ड वन टू अरो ऑफ 5 मीटर, ये टग ऑफ वॉर टाइप खेल रहे हैं पर स्केट्स पहन के खेल रहे हैं। इनकी ज्यादा थियरी मत सोचना कि ऐसा हो कैसे रहा है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। ए का मास लिख लीजिए 40 kg, मास ऑफ ए 40 kg, मास ऑफ बी 60 kg, ए का मास है 40 kg, बी का मास है 60 kg, और जरूर इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस 5 मीटर। इन्होंने रस्सी पकड़ी हुई है, दे पुल द रोप टुवर्ड्स ईच अदर, दे पुल द रोप टुवर्ड्स ईच अदर एंड फाइनली मीट एट कॉम, नहीं फाइनली मीट एट सम पॉइंट, मैं क्यों बताऊं कॉम पे, फाइनली मीट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी बिफोर दे मीट, बिफोर मतलब व्हेन दे मीट, सवाल तो यही कहेगा बिफोर दे मीट, आपको कि बिफोर दे मीट तो फिर कितना भी हो सकता है, व्हेन दे मीट जब ये मिलेंगे। अच्छा आंसर दिया है, डी का डिस्टेंस से है ना, तो मास ए का अपॉन मास टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस, ए का मास है 40, टोटल मास है 100, टोटल डिस्टेंस है। भारी वाला तो कम चलेगा ना, कम है ना, आधे से कम। जुबान वाली बातें लिखनी हूँ मैं तो खैर खाली इस पे रिलाय करने को कहता हूँ। बी ने जो डिस्टेंस चलेगा एक्स है, बी जो डिस्टेंस चलेगा वो तो पड़ोसी का मास ए का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस बहुत काम का सवाल। अब इस सवाल मैंने ये ढंग से समझ में सब मैकेनिज्म नहीं समझाया कि ये दोनों एक दूसरे के पास कैसे आ रहे हैं, शायद ये आपको समझ भी नहीं आ रहा और उसे जानने की जरूरत भी नहीं। एक बार को मैं बता तो देता हूं आपको, बस केवल अपना इंप्रेशन मारने के लिए, और मेरे मन में डाउट है भी यार ये कैसे आ कैसे रहे, मुझे क्या करना है यार, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि नहीं वही लेंगे ये नहीं, अगर ऐसा ऑप्शन हो तो फिर भी सोचा जाए, वैलिड पॉइंट है, आप सही सोच रहे हो पर चारों ऑप्शन फाइनाइट है, तो फिर हम इस थ्योरी को बढ़ावा क्यों दें कि यार चल पिच कैसे रहे। वो ये रहा है कि ये जो फोर्स लगा रहा है वो बी पे एक्ट कर रहा है, जिससे बी में एक्सेलरेशन हो रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो एक्चुअली रस्सी के थ्रू ए पे काम कर रहा है, ए में भी एक्सेलरेशन से आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो क्या करना, डेटा पकड़ो ना यार, इससे नोट आ रहे हैं हमारे पास तो हम कभी नहीं कहेंगे कहां से आ रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है, इनको लेकर तुम बड़े हुए हो कि यार ये चल के चले साल समझाओ पहले आप। मैथमेटिक्स से मतलब है और नोट देना मैथमेटिक्स, ये टिपिकली ऐसा एक सवाल है, ये हॉट एयर बलून है या उसकी बास्केट में
इसी में चल रहे आम है एक आदमी है एक्चुअली और वो आदमी पुल करता है मैन पुल्स ऑन द रोड एंड रीचेस द टॉप आदमी रस्सी पकड़ के ये पूरा सिस्टम स्पेस में इक्विलिब्रियम में था तो आदमी ने रस्सी पकड़ी और वो ऊपर चढ़ गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन as seen from ground find the displacement of the man as seen from ground actually aisa hoga ye isko to ye lagega ki main to bilkul yahan aa gaya hu par zameen ke respect mein to itna hi displacement hua ye upar jayega wahi rassi balloon se bhi bandhi hai to balloon ko niche layegi milenge dono hamesha apne form pe ऐसा नहीं कि ये बलून यहीं खड़ा रहेगा और ये यहाँ पहुंचा ये ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा ऑलवेज मीट एट फॉर्म दे विल ऑलवेज मीट एट फॉर्म ये बात आपके समझ में आ रही हो या ना आ रही हो अगर कोई कहता है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आप बोलना है पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास multiplied by total distance between them. Multiplied by total distance between them. अगर आपको समझ ना भी आ रहा हो ना तो ज्यादा दिमाग मत लगा देना बस ऐसे ही कुछ मार दे हाँ इन दोनों के बीच में जो इनिशियल लिख देते हैं इनिशियल टोटल डिस्टेंस जैसा मार प्रोटॉन के सवाल में करते थे वैसे ही यहाँ पे तो किसी भी एक का डिस्टेंस मांगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं भी बोलता ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं भी बोलता भी मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बस बोला डराने के लिए ये सुन के भी हम परेशान हो जाते हैं हम तो जो निकाल सकते हैं वो निकालते हैं बस वही उसने मांगा होगा ऐसा अज्यूम करके खेल जाया करें जो निकालना सिखाया है वही उसने मांगा होगा कुछ नया नहीं मांग सकता वो हम टीचर्स तो फिर भी कमी नहीं तो पेपर सेटर बहुत अच्छा इंसान होता है जो भी होता है सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज करता है पर मांगता केवल वही है जो आपको ऑलरेडी निकालना आता है सबको आप तो चलो अच्छे टीचर से पढ़ो और बहुत सारे और गरीब लोग भी थे बेचारे पेपर सबके हिसाब से बनाया जाता है इसलिए पेपर इजी बनाया देखने में डरावना होगा पर पूछेंगे वो पेपर वो जो मासेस को आता हो सेल्फ स्टडी वालों को आता हो पेपर बनाने वालों के सामने एक चैलेंज होता है कि कोशिश करना कि जिन्होंने 10 साल से कुछ अटेंड कर रहे हैं वो रह जाए और सेल्फ स्टडी वाले हैं वो निकल जाए सेकेंड क्लास से थर्ड क्लास से लोग नीट की कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं ये मेरा मतलब था और कुछ नहीं
अगर वो बोले कि डिस्टेंस निकालिए दो पार्टिकल्स थे और किसी एक का डिस्टेंस निकालिए, तो बस पड़ोसी का मास अपन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय इसमें अगर मैं एडवांस केस करा, एडवांस है, इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लैंक ऑब्लिक फोर फ्रिक्शनलेस प्लैंक पे आदमी खड़ा है, डेरिवेशन नहीं करा रहा, अभी तो नहीं करा रहा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में। फ्रिक्शनलेस प्लैंक ये पढ़ रहा है, प्लैंक कोर्ट है, प्लेटफॉर्म है, ये आप फ्रिक्शनलेस प्लैंक नहीं है, फ्रिक्शनलेस प्लैंक प्लैंक ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस ऐसा कुछ है, प्लैंक ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, ध्यान से सुनो, ये आदमी जब आगे जाता है तो पूरा सिस्टम पीछे आता है, जैसे मैं अभी वाला बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये यहाँ, तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक तो आदमी को पहले लगेगा मैं तो यहाँ था, अब मैं इसके दूसरे एंड पे हूँ, हालांकि जमीन के रिस्पेक्ट में उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट एल नहीं है, इसे मैं डिराइव नहीं कर रहा, इसमें भी जो भी इनका कॉम है कॉम फिक्स है, कॉम फिक्स तो सब इंटरनल भी है, जो भी अभी भी कॉम फिक्स है, और इसे दो छोटी छोटी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और उनसे फाइनली लिया जाएगा, अगर अभी भी वही निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आएगा मास ऑफ द प्लैंक अपॉन मास ऑफ द मैन प्लस मास ऑफ द प्लैंक मल्टीप्लाइड बाय योर कैपिटल, इनिशियल टोटल डिस्टेंस है ना, अभी भी वही आ गया, इसका डेरिवेशन देखेंगे तो फिर आपको सवाल करने की हिम्मत नहीं है, डेरिवेशन नहीं देखेंगे तो फिर सवाल में कुछ भी नया है नहीं, वैसे ही करिए जैसे करते थे, पहले आदमी प्लान के इस एंड पे था और बाकी प्लान के उस अदर एंड पे है, तो आदमी को तो यही लग रहा है कि मैंने पूरा डिस्टेंस एल ट्रेवल किया है, हम तो फिर कुछ ज्यादा समझा ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, अगर प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना हो तो मास ऑफ द मैन अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एल, जो भी नहीं, अब आदमी अदर एंड पे चला गया, अब कॉम पे नहीं है, दोनों जब अलग अलग हो ना, जब एक दूसरे को डायरेक्ट टच ना कर रहे हो तो ये कॉम पे मिलेंगे, अब ये कॉम पे नहीं मिलेंगे, अभी तो अदर एंड तक चला गया, कॉम पूरा का पूरा फिक्स रहे स्पेस, अब ये कॉम पे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस है पर फॉर्चुनेटली फॉर्मूला सेम ही आ रहा है करीब करीब, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, गाइड्स में तो ऐसे ही सवाल बोर्ड के भी मिलते हैं पर वो आपको करने नहीं है, बोर्ड में भी ऐसा होता है, वो बोलेगा बोर्ड एक लेंथ 4 मीटर की है और आदमी ए बोर्ड के एक एंड से दूसरे एंड तक गया, तो ऐसे में आपको पता है कि आदमी जब आगे जा रहा है तो पूरा सिस्टम पीछे आ रहा है, तो पूछेगा ग्राउंड शोर से देखने पे, किनारे से देखने पे आदमी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बोर्ड का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, अब मैं फिर लिखता हूं बोर्ड प्रॉब्लम, ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कम करें, या तो प्लैंक वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें और बोर्ड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें, खैर कर भी ले तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है, तो ये किनारा है, ये शोर है, यहाँ पानी है और यहाँ बोट है और वेन इधर जा रहा है,
थोड़ी देर बाद वो यहाँ जैन होगा, आगे अगर इधर जा रहा है तो पूरा सिस्टम पीछे आएगा। आदमी को तो लगेगा उसने ये एयर ट्रेवल कर लिया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राम इज इक्वल मास ऑफ द बोर्ड अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एल। उसको ऐसा बोलता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल, ऐसा बोलूंगा आपको थोड़ी दिक्कत बढ़ जाए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। ये चीज हमेशा ऐली होती है, इसको कभी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए, ऐसा बोलूं तो तकलीफ बढ़ जाएगी यार। इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो तकलीफ बढ़ेगी। वोट के रिस्पेक्ट में तो आदमी ने ये पूरा एल डिस्टेंस ट्रेवल किया ही है, ये जो भी टोटल डिस्टेंस था ना वोट के बैठे हमेशा वही आएगा, ये चीज तो एल ही रहेगी। अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल का बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राम मांगी ना तो मास ऑफ द मैन अपॉन मास टोटल इनटू एल ही आए या एक्स टोटल ही आए। मैं तो खैर बोर्ड के सवाल करने के लिए मना कर रहा हूं, और इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप मेरी बात मानोगे तो वो नहीं, तो आप सवाल कर लोगे मेरा काम हो जाएगा। वोल्ट खेलनी पड़ती है भाई, बोर्ड के सवाल वेवर में आए तो हैं और उन सब का आंसर जीरो आता है। और पूछेगा कि भाई सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट बता, तो वो हमेशा जीरो ही आएगा, सब इंटरनल फोर्सेस है ना, ऐसा लिख दीजिए। न्यूमेरिकल्स चेक वेरी क्लियरली, चेक वेरी क्लियरली वेदर डिस्प्लेसमेंट इन मैन ऑब्लिक बोर्ड इज आस्क्ड, मैन ऑब्लिक बोर्ड इज आस्क्ड, डिस्प्लेसमेंट मैन में मांगा है कि बोर्ड में मांगा है, और बड़ा बड़ा लिख दीजिए, और इन कॉम इज आस्क्ड। मैन में डिस्प्लेसमेंट मांगा है कि बोर्ड में मांगा है कि कॉम में मांगा है, और ऐसा लिख दीजिए। इन एग्जाम गाइड वाले तो कुत्ते कुछ भी पूछेंगे, पेपर बनाने वाले टेस्ट सीरीज वाले तो कुछ भी पूछेंगे। इन एग्जाम इट इज वेरी लाइकली, इट इज मोस्ट लाइकली दैट डिस्प्लेसमेंट इन कॉम विल बी आस्क्ड। In exam, it is very likely that displacement in com will be asked and the answer will always be zero. Take risk. Zero, dekhiye to maro fat se. Sawal dhyan se padhna, usko padhna, jab hum sawal jab aata hai na, to hamare mein hum darna shuru kar dete hain. Hum darna shuru kar dete hain ki pata nahi ye ganda hi lagana padega. Aur dar tab hota hai jab aapne iska derivation dekha hota hai. Abhi aapko iska dar nahi hai. अगर मैं इसका डेरिवेशन करा देता, मेरा धर्म तो है कि डेरिवेशन करा करूं, पर नहीं बनी सवाल हाँ मुझे यही डायलॉग मालूम था कि मेरा धर्म तो कहता है पर मैं कलयुगी आत्मा हूं, इसमें मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, इसलिए है बस।
ठीक है, अब सीधे अब इस चैप्टर की बिल्कुल एकदम आखिरी बात है, प्रोजेक्ट आगे बॉम यूएमडी बॉम फायर एज एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट आगे एक्सप्लोड इन एयर बॉम फायर एज एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट आगे explodes in air. Now this is very important and very easy of course. So, kaisa bhi numerical aa jaye na kaisa bhi wo easy hi niklega aur chota hi niklega. Isme ye zaruri nahi hai ki bomb mid highest point pe phata. Bomb yahan bhi phat sakta hai, yahan bhi phat sakta hai, aisa likh dijiye. If the bomb might have exploded, the bomb can explode anywhere in the trajectory. Let's see this, see this, see this, see this, bomb can explode anywhere in the trajectory. Trajectory में रास्ते में बॉम्ब कहीं भी फटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अब सपोज दो हिस्सों में फटा है और ये हिस्सा हो सकता है सपोज ऐसा यहां गिर गया, M1 यहां गिर गया, M2 probably कहीं यहां गिर गया, कहीं भी हो सकता है, वो इधर वापस भी आ सकता है, नीचे भी गिर सकता है. फाइनली एक यहाँ लैंड हुआ, पाथ कौन सा वैसे मतलब नहीं, ऊपर जाके आया कि डायरेक्ट आया उससे भी मतलब नहीं. एक फाइनली यहाँ गिरा, ये दो टुकड़ों में टूटा, एक फ्रैगमेंट यहाँ गिरा और एक फ्रैगमेंट यहाँ गिरा. हमको ये कहना है कि इन दोनों फ्रेगमेंट्स का फॉर्म यही रहेगा, जहाँ ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी जहाँ से जहाँ मास गिरता, ऐसे ही कुछ ऐसा लिख देते हैं. Trajectory form remains unaffected. Trajectory and landing point fragments were subjected. कोई फ्रेगमेंट कहीं जाएगा, कोई फ्रेगमेंट कहीं जाएगा, पर कॉम की ट्रेजेक्ट्री अनचेंज रहेगी. कॉम की ट्रेजेक्ट्री अनचेंज रहेगी, बहुत काम की चीज. कारण की हमें जरूरत नहीं होती है, पर मुझे आता है इसलिए मैं क्यों ना बताऊं. एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो ट्रेजेक्ट्री का है को चेंज होगी, ऐसा कहना एक्चुअली गलत है. एक्सटर्नल फोर्स है तो, पर जितना पहले हो तो नहीं, बात पहले भी ग्रेविटी का है, बाद में भी ग्रेविटी का. इस समय बॉम्ब के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, वर्टिकल प्लेन में है ना, ऐसा ही बस कुछ ऐसा लिख दीजिए. हियर एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट जीरो, बट इट इज एमजी. It is MG both before and after the explosion. ऐसा नहीं कि external force zero है, पर external force पहले भी MG था और बाद में भी MG है, इसलिए bomb का path unaffected रहेगा. Reason हमारे लिए वैसे खास important नहीं है. मजेदार बात तो ये है केवल कि अब आपको केवल ये देखना, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है और उनका फॉर्म ये है. तो ये डिस्टेंस अगर x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, आप क्या कहोगे? m1 x1 m2 x2, ये चारों और इसलिए ये सवाल तुम्हारा मोस्ट बनेगा ही बनेगा. With respect to form, M1 X1 और M2 X2 तो हमेशा ही बराबर होते हैं. जहां unexploded form देखता है ना,
वही इन दोनों फ्रेगमेंट्स का कॉम लाया करेगा। टू फ्रेगमेंट्स स्लाइड विल लैंडिंग पॉइंट एट द रेंज ऑफ द अनएक्सप्लोरेड बॉम्ब। इन्हें जो डिस्टेंस रहेगा ना, ये हमेशा प्रोजेक्टाइल की रेंज वाले फॉर्मूले से आए। ये डिस्टेंस हमेशा आर के बराबर आएगा। ये प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला तो नहीं लगाना पड़ता, पर रेंज का नाम लेना पड़ता है आपको ज्यादातर। ऐसे अगर एम वन दे दिया, एम टू दे दिया और एक्स वन दे दिया तो मैं एक्स टू निकाल दूंगा, पर मजा इसका तभी आता है जब ये क्वेश्चन रेंज के टर्म्स में पूछा जाए। ये लिख लिया आपने, ले लो कॉपी, ले लो। जाओ, मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा टफ है। अगर पूरे बेसिक मेथड से जाओ, पूरे बेसिक मेथड से जाओ तो थोड़ा सा टफ है, इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको सवाल में। Fire from a cannon. तोप से गोला मारा है। The highest point explodes equal parts. बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, इसको प्यारी सोल्यूशन नहीं आती, उसके लिए सवाल बहुत लेंथी है। अ बॉम्ब इज फायर फ्रॉम अ कैन, हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट इक्वल पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट रिट्रेसेस इट्स पाथ टू द कैन। पहले तो उसने तोप को ही उड़ा दिया, उसने गोली चलाई थी वही मर गया पहले। Find the distance of the landing of the other part from origin in terms of range R. ये कहीं यहां जा रहेगा, ये m by 2 है, ये r है, तो कॉम है ना इन दोनों का, ये m by 2 है, ये x है, m by 2 into r, equal to m by 2 into x, x is equal to r, भाई फाइनली एक पार्टिकल यहाँ और एक कहीं यहाँ होगा, तो कॉम यहाँ लाया करेगा ही करेगा। जहां ये अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब जाता, रेंज के डिस्टेंस पे कॉम रहेगा, कॉम हमेशा डिस्टेंस आर पे रहेगा ओरिजिन से। अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब जहां जाके गिरता, अभी वहां पे दोनों फ्रेगमेंट्स का कॉम आएगा। क्या आंसर है नबीरा?
टू आर। टॉपर हो यार। अननोन को सही पहचानने में ताकत लगा रहा हूं। क्या केशव माइनस के पीछे मत चिपका करो, इसको ढंग से पढ़ो जैसा कि तुमने अगली बार पढ़ा भी। टू आर ये एक्स है और हमने यहां से डिस्टेंस मांगा है, कितनी सिंपल सॉल्यूशन है। बॉम्ब अगर कहीं हवा में फट जाए ना, हाईएस्ट पॉइंट पर फटे ना फटे कोई फर्क नहीं, तो कहीं भी फट जाता है। तुम तो फाइनली ये देखो ये कितना मास है और कहाँ है, इसका तो मैं निकाल लूंगा और इन दोनों का कॉम आर के डिस्टेंस पे। अगर एक सवाल बोलता कि एक पार्ट सीधे यहां गिरता है तो मैं इस डिस्टेंस को आर बाय टू इस मास इंटू आर बाय टू इक्वल टू दिस मास इंटू एक्स। बोलेगा सर एक मास को वर्टिकली टपा गया तो ये डिस्टेंस आर बाय टू बचा। दोनों फ्रेगमेंट जहां भी है उनका कॉम आर के डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से आर के डिस्टेंस पे है। तो मैं ये किसी एक मास का कॉम से डिस्टेंस निकाल लेना है, आर से डिस्टेंस निकाल लेना है, तो दूसरे का अपने आप निकल आए। फिर ध्यान से ये देखना कि कॉम से डिस्टेंस मांगा है कि ओरिजिन से। इस तरह से ये चैप्टर थियरी समाप्त होती है। सवाल आप लाते रहिएगा डाउट्स के रूप में इनफाइनाइट। थैंक यू। हाँ फिलहाल मासेस इक्वल है तो दोनों डिस्टेंस इक्वल आएंगे, बात सही है। तो हमेशा अल्टरनेट अप्रोच क्यों बताता है, उसका इंटेलिजेंट क्यों है भाई, थोड़ा लेस इंटेलिजेंट बन जाए नंबर सही है तो।